नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस का गजब हाल है। एक झगड़ा खत्म नहीं होता कि दूसरा तत्काल शुरू हो जाता है। पंजाब कांग्रेस में महीनों से चल रही मशक्कत के बाद जैसे ही कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू दिल न मिले हाथ मिलाया, तब तक जो पूर्व अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ वो बागी हो गए। सबसे पहले बात करते हैं कल की। चाय पे गए नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर तब तक वहाँ पंजाब भवन में पहुँचे नहीं थे जहाँ पे चाय का आयोजन किया गया था। 12 मिनट रुके, उसके बाद बाहर निकल गए। भला हो कि प्रियंका गांधी ने उनको फ़ोन कर दिया कि ये आपने क्या किया और ऐसे कैसे पार्टी चलेगी। फिर भागे भागे वो आए चाय पार्टी पे। इस बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो प्रभारी हैं हरीश रावत, उनके बारे में लगातार पूछताछ कर रहे थे, तो माना गया कि वो नीचे होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। प्रियंका गांधी के फ़ोन के बाद बताया जा रहा है कि वापस लौटे, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर से मिले, फिर दोनों साथ में बैठे, फ़ोटो वोटो खिंचवाया गया। लेकिन ये घटना साफ इशारा कर रही थी, कैप्टन अमरिंदर को पता चल गया कि वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए थे, उसके बाद वो निकल गए थे। इसके बाद बारी आई नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष के चार्ज लेने की। आपने भाषण में देखा होगा कि कैप्टन अमरिंदर अपनी सरकार का बचाव करते रहे और जब नवजोत सिंह सिद्धू के बोलने की बारी आई तो उन्होंने जरा भी इस बात का लिहाज नहीं किया कि उनकी पार्टी की सरकार है पंजाब में। उन्होंने ऐसे ही वार किया जैसे कि विपक्ष पे वार किया जाता है, चाहे बेअदबी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे और तमाम समस्याएं हैं, उन्होंने एक एक करके गिनाई और कैप्टन अमरिंदर सरकार पे वार किया बिना नाम लिए। वहां पे जिस तरीके से दोनों नेता आसपास बैठे हुए थे, बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि दोनों अपने को कम्फर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, एक औपचारिकता पूरी हो रही है। तो जब सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिला है, तो आगे अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस का झगड़ा खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। बात करते हैं पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ की। आपने देखा होगा तस्वीरों में किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने से पहले और ऐलान होने से पहले विधायकों और सुनील जाखड़ से मिल रहे थे। सुनील जाखड़ के साथ उनकी गलबहियां हो रही थी, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन सुनील जाखड़ को यह बहुत बात नागवार गुजरी है कि इस पूरे प्रोसेस में उनसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। लिहाजा जब उनकी बोलने की बारी आई तो कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपनी टीस, अपना दर्द बयां किया। सुनील जाखड़ याद ही नहीं रहा। सुनील जाखड़ कांग्रेस का पैदाइश है साहब। सुनील जाखड़ अज मैं स्टेज पे खड़ा, कांग्रेस करके खड़ा, मेरी गल नहीं। कि कांग्रेस में एक परंपरा सी है कि जब कोई नाराज होता है तो उसके घर मनाने के लिए जाया जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे किसको चाबी सौंप दी? सुनील जाखड़ को पूछा ही नहीं, जो सुनील जाखड़ नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे, उनसे कुछ नहीं सलाह किया। एक बात, दूसरी बात उन्होंने एक और बोली। उनका कहना यह है कि जो किसानों का आंदोलन आज बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के नाक में दम किए हुए है, यदि कैप्टन अमरिंदर की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो फिर वो पंजाब के मुख्यमंत्री के नाक में दम किए होते। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो कैप्टन अमरिंदर की तरफ झुक गए हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरीके से कमान दी गई वो सुनील जाखड़ को पसंद नहीं आया है और सुनील जाखड़ को एकदम इग्नोर कर दिया गया है? यही सारी बातें हैं जो कि निकल करके आ रही है और उसमें आप सुनेंगे भी उनको, तो वो सारी बातें साफ साफ इंगित कर रही हैं। और एक और बता दें, एक और पूर्व अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा। प्रताप सिंह बाजवा के घर पे दिल्ली वाले आवास पे जो है सारे सांसदों की मीटिंग हुई थी और उसके बाद वो लोग इस बात का नवजोत सिंह सिद्धू को कमान देने का विरोध किए थे। बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, संसद से संबंधित कार्रवाई और क्या एजेंडा रहेगा और क्या हमारा स्टैंड रहेगा वगैरह वगैरह बातें हुई, लेकिन वो भी नाराज हैं। दरअसल है क्या कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से आए हैं और पार्टी में इतने जूनियर हैं कि जो इनसे सीनियर पहले से कांग्रेस के नेता हैं, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हों, चाहे सुनील जाखड़ हों, चाहे और बहुत सारे नेता हैं, उनका लग रहा है कि इनकी वजह से हमारा हक मारा जा रहा है। यदि कैप्टन अमरिंदर नहीं तो उसके बाद हमारा नंबर आना चाहिए और निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर के बाद प्रताप सिंह बाजवा का नंबर आता है। यही सारी बातें हैं। अभी सत्ता मिलनी तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ही लग रहा है कांग्रेस निपट जाएगी आपसी झगड़े में।
बहुत कल नवजोत सिंह सिद्धू जोश में थे, बहुत जोश में बोल भी रहे थे, लेकिन क्या वो ज़मीन पे उतार पाते हैं? क्या जो दिख रहा है कि 56 विधायकों ने निमंत्रण पत्र पे जो है सिग्नेचर किया और 62 विधायक दरबार साहिब में मत्था टेकने के साथ उनके लगे हुए थे, वो सभी एकजुट रह पाएंगे? वो लास्ट तक उनका साथ देते रहेंगे? या कैप्टन अमरिंदर जो कि बड़े सियासतदान है और दाव पे जानते हैं, इस बीच में दाव पे चलते रहेंगे और उधर से विधायकों को अपनी तरफ सरकाने की कोशिश करेंगे? फिर तो जब इलेक्शन होगा, उसके बाद जब परिणाम आएगा, उसके बाद असली दाव पे शुरू होगा। इस पे हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।